गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. आई हैड टीच दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट. योर चैप्टर नेम इज़ यूजफुल एनिमल्स, चैप्टर 3. योर फर्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. सम एनिमल्स लाइक शीप, cows, hens, ducks and buffaloes are kept in farm. Some animals like cats and dogs are kept in our homes as pets. The animals that are kept at home and in farms are called domestic animals. Domestic animals means घरेलू जानवर. और जानवर अलग अलग जगहों पे रहते हैं, means एक ही जगह पे नहीं, हर जानवर की रहने की प्लेस जो होती है, स्थान होता है, वो अलग अलग होता है. और जो जानवर हमारे साथ हमारे घर में या फार्म में रहते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, मीन्स घरेलू जानवर. इस चैप्टर में आपको एनिमल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. हाउ एनिमल्स हेल्प अस? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, गोट्स एंड बुफेलोज. वी ड्रिंक मिल्क टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. मिल्क इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फूड्स सच एज बटर, चीज़, घी एंड कर्ड. जानवरों से ही हमें दूध मिलता है, जैसे कि गाय, बकरी और भैंस से. और इनका मिल्क हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत और स्वस्थ बनाता है. दूध से ही बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि बटर मीन्स मक्खन, चीज़ मीन्स पनीर, घी, कर्ड मीन्स दही. विकेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज हैंस एंड डक्स. कुछ पक्षी जैसे कि मुर्गियाँ और बतख से अंडे प्राप्त होते हैं हमें. वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स. बीज वैक्स इज़ यूज टू मेक कैंडल्स. शहद और मोम भी हमें हनी भी बी हाइव्स मीन्स मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है. और इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? कैंडल, कैंडल मीन्स मोमबत्ती. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स. सिल्क इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स सच एज साड़ीज एंड स्कर्ट्स. सिल्क मीन्स रेशम. रेशमी कीड़े से भी कपड़े में क्या साड़ियाँ और स्कार्फ वगैरह बनाए जाते हैं. वी गेट उल फ्रॉम शिप. उल इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स एक्सेट्रा. ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है और उससे स्वेटर, मफलर्स, साल, ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज गोट्स, शिप, बुफेलोस एंड कैमल्स आफ्टर दे आर डेथ इज यूज एज लेदर. लेदर यूज टू मेक जैकेट्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. अब जो जानवर जैसे कि बकरी, भेड़, भैंस, ऊँट, क्रोकोडाइल, ये सब जब मर जाते हैं तो इनकी स्किन को, इनकी स्किन से लेदर जो ऊपर की खाल होती है, चमड़ा जो होता है, उसको निकाल के उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट, शूज, बेल्ट, ये सब चीज़ें बनाई जाती है. किससे? इन सब की स्किन से, जो एनिमल की स्किन होती है, त्वचा होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? चमड़ी बोलते हैं. एनिमल्स सच एज ऑक्सन, हॉर्सेस, डंकीज, एलिफेंट्स एंड कैमल्स कैरी हैवी लोड्स फॉर अस. सम एनिमल्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब कुछ जानवर जैसे कि बैल और घोड़े, गधे, हाथी, ऊँट, ये सबको जो हैवी लोड्स होते हैं, जैसे कि बहुत भारी सामान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ये एनिमल्स. पेट्स, पेट्स मीन्स होता है पालतू. एनिमल्स डैट वी कीप इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स. कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स एंड पैरट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेट्स. ऐसे एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहते हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पालतू जानवर बोलते हैं. और डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, दो टाइप के एनिमल होते हैं मेनली.
तो डोमेस्टिक एनिमल वो हम जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी, उनका अलग अलग फॉर्म होता है, घर के बाहर वो रहते हैं। और पेट एनिमल्स जो प्यारे से छोटे से होते हैं, पेट्स जितने भी होते हैं वो छोटे होते हैं, और डोमेस्टिक बड़े होते हैं। समरी ऑफ दिस चैप्टर, द एनिमल्स डैट आर केप्ट एट होम एंड इन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में, घर पर या फिर फार्म में रहते हैं, उन्हें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स घरेलू जानवर बोलते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काओ, गोट एंड बफेलो। कुछ ऐसे जानवर जैसे कि गाय, बकरी और भैंस, इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। मिल्क मीन्स दूध। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड डक। अब मुर्गी से हमें, मुर्गी और बतख से अंडे मिलते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम गोट हैन एंड फिश। बकरी, मुर्गी और मछली से मीट मिलता है, मांस मिलता है। हनी एंड वैक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज, सॉरी बीहाइव्स। बीहाइव्स मीन्स होता है मधुमक्खी के छत्ते से हमें हनी और वैक्स प्राप्त होता है, मतलब शहद और मोम। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क हमें, सिल्क वर्म मीन्स होता है रेशमी कीड़ा जो होता है, सिल्क उससे मिलता है, इससे साड़ी सूट वगैरह बनाए जाते हैं। वी गेट ऊल फ्रॉम शिप। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक शिप, गोट, बफेलो, कैमल एंड स्नैक एंड क्रोकोडाइल। भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट, सांप और मगरमच्छ की त्वचा या स्किन जो ऊपर की खाल होती है उससे हमें चमड़ा प्राप्त होता है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, डंकी एंड ऑक्स कैरी हैवी लोड्स एंड ऑल्सो कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जानवर जैसे कि बकरी, घोड़ा, हाथी, गधा, बैल, ये सब भारी सामान ढोने का काम करते हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। द एनिमल्स डैट कैन बी केप्ट इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स। ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं उन्हें हम लोग पालतू जानवर बोलते हैं या पेट्स बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर टू वर्ड्स है, आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड फिल करना है। नंबर वन, मिल्क इज़ यूज टू मेक बटर, मीट। अब हमें बटर मीन्स मक्खन होता है, मक्खन मांस से बनता है या दूध से? आंसर इज मिल्क। मिल्क इज़ यूज टू मेक बटर। वी गेट एग्स फ्रॉम डक। अब यहाँ पर काउ डक दिया है, आंसर क्या होगा? डक। अंडे किससे मिलते हैं? बत्तख से मिलते हैं। वी गेट वैक्स फ्रॉम बीहाइव, मधुमक्खी के छत्ते से हमें वैक्स मिलता है, मोम मिलता है। वी गेट ऊल फ्रॉम शिप। वी गेट ऊल फ्रॉम शिप। ऊन हमें किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ क्रोकोडाइल, हैन। हैन से तो एग और मीट मिलता है, क्रोकोडाइल से क्या मिलता है? लेदर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो सही है उस पर आपको टी लिखना है, जो गर रॉन्ग रहेगा उस पर एफ लिखना है। फ्रूट्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स। जो फल होता है वो हमें जानवरों से प्राप्त होता है, नो। फॉल सही है, रॉन्ग है। फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलता है, फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम पैरट्स, मिल्क पैरट्स से मिलता है, नो। फॉल्स। द स्किन ऑफ स्नैक्स इज यूज टू मेक शूज। जो सांप की खाल होती है, त्वचा होती है, उसका यूज़ जो है जूते बनाने के लिए किया जाता है, इट्स ट्रू। कैमल्स हेल्प पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ऊँट होता है उसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, डेट्स ट्रू, इट्स राइट आंसर। डॉग्स हेल्प इन कैरी हैवी लोड्स। जो कुत्ता होता है, जो कुत्ते होते हैं वो भारी सामान ढोने का काम करते हैं, नो। डॉग इज डोमेस्टिक एनिमल, और ये डॉग जो क्या करता है? घर की रखवाली करता है। गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डैट गिव मिल्क। आपको यहाँ पे टू टू एग्जाम्पल्स राइट करने हैं। एनिमल्स डैट गिव मिल्क,
ऐसे एनिमल के नाम बताना है जो मिल्क देते हो। काओ बुफेलो, काओ बुफेलो। एनिमल्स डैट गिव मीट, जो ऐसे जानवर जो मीट देते हो, मांस देते हो। हैन गोट, एच ई एन हैन जी ओ ए टी गोट। एनिमल्स डैट गिव एग्स, अंडे देने वाले जानवर। हैन डक, एच ई एन हैन डी यू सी के डक। एनिमल्स डैट गिव लेदर, जो जानवर चमड़ा देते हो। स्नैक क्रोकोडाइल, एस एन ए के ई स्नैक सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई क्रोकोडाइल। पेट एनिमल्स डॉग कैट। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। डोमेस्टिक लेदर फार्म मीट। आपको यहाँ पे सेंटेंस में अंडरलाइन दिए हुए कुछ वर्ड्स है उसको रिप्लेस करना, मतलब उसको हटा के उसकी जगह पे कौन सा सेंटेंस फिट है वो यहाँ पे राइट करना है। काउस एंड बफेलोस आर केप्ट इन अ हाउस। फार्म, गाय और भैंसे घर में रहती हैं, नहीं फार्म में, एफ ए आर एम फार्म। एनिमल्स लाइक गोट हैन एंड फिश गिव अस मिल्क। बकरी मुर्गी और मछली ये सब दूध देते हैं, नो इट्स मीट, मीट देते हैं मीट। स्किन इज़ यूज टू मेकिंग बेल्ट एंड जैकेट, सॉरी सिल्क इज़ यूज टू मेकिंग बेल्ट एंड जैकेट, जो सिल्क होता है रेशम उससे बेल्ट और जैकेट बनता है, नो लेदर इज़ करेक्ट आंसर। लेदर इज़ यूज टू मेकिंग बेल्ट एंड जैकेट, सिल्क से तो साड़ी वगैरह बनती है। एनिमल्स डैट आर केप्ट एट होम आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में उन्हें क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, नो डोमेस्टिक एनिमल। वाइल्ड तो जंगली जानवर होते हैं, लायन टाइगर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम एनी थ्री मिल्क प्रोडक्ट्स, तीन आपको मिल्क प्रोडक्ट नेम बताने हैं। आंसर इज कर्ड चीज एंड घी, दही पनीर और घी, ये किससे मिलता है, मिल्क से बनते हैं ये सारी चीज़ें। राइट टू प्रोडक्ट्स डैट वी गेट फ्रॉम बी हाइव्स, टू प्रोडक्ट नेम बताने हैं जो बी हाइव मधुमक्खी के छत्ते से मिलते हैं। वैक्स हनी, वैक्स मीन्स मोम, हनी मीन्स शहद, वैक्स हनी। राइट एनी थ्री प्रोडक्ट्स डैट कैन वी मेड फ्रॉम लेदर, लेदर से चमड़े से तीन चीज़ें आपको बतानी हैं जो बनते हैं। आंसर इज जैकेट सूज एंड बेल्ट, ये सारे प्रोडक्ट किससे बन जो बनते हैं ये लेदर से बनते हैं। आपको सारे एक्सरसाइजेस कॉपी में फिल करनी है। दिस एनिमल गिव्स अस मिल्क एंड मीट, द स्किन ऑफ दिस एनिमल इज़ यूज टू मेक लेदर प्रोडक्ट, विच एनिमल आर वी टॉकिंग अबाउट। ऐसे जानवर जो हमें मिल्क और मीट, दूध और मांस दोनों देते हैं, उनकी स्किन से भी चमड़ा निकाल के कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेदर प्रोडक्ट मीन्स चमड़े की चीज़ें। विच एनिमल आर वी टॉकिंग अबाउट, हम लोग किस एनिमल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोट, ये राइमिंग भी जहाँ पे हिंट दिए, कोट मीन्स गोट की बात कर रहे हैं हम लोग, जी ओ ए टी गोट। ओके, गोट से ही मिल्क भी मिलता है, मीट भी मिलती है, उसके चमड़े से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो इट्स गोट। मैच द एनिमल्स विद द थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम, यहाँ पे एनिमल्स हैं, यहाँ पे उससे मिलने वाली चीज़ें हैं, इट्स योर होमवर्क, आपको ये मैच करना है। गोट, गोट गिव अस मिल्क एंड गिव अस एग, बीहाइव गिव अस वैक्स एंड शिप गिव अस स्वेटर, इट्स योर होमवर्क। एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, वी शुड टेक केयर ऑफ देम राइट, यस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो जानवर होते हैं बहुत तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए, यस और नो मैं आपको आंसर राइट करना है। वी शुड नॉट बी काइंड टू एनिमल्स,
हमें जानवरों पे दया नहीं दिखानी चाहिए दिखानी चाहिए नो दिखानी चाहिए वी शुड कीप आवर पेट एनिमल्स क्लीन, हमें अपने पालतू जानवर को साफ सुथरा रखना चाहिए. यस वी शुड नॉट ओवरलोड एनिमल्स विद द हैवी लोड्स. यस जानवरों पर भी बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं लादना चाहिए. वी शुड किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन टू मेक लेदर प्रोडक्ट्स नो, हमें चमड़े के प्रोडक्ट बनाने के लिए चमड़ा का सामान बनाने के लिए जानवरों को मार देना चाहिए. यस और नो, नो नहीं मारना चाहिए. वी शुड गिव प्रॉपर फूड टू आवर पेट्स. यस हमें जो है अपने पालतू जानवरों को हम बराबर भोजन देना चाहिए. यस प्रोजेक्ट कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स डैट गिव अस फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स. मेक अ स्क्रैप बुक बाय पेस्टिंग दीज एंड पिक्चर्स. राइट द नेम ऑफ द एनिमल एंड द प्रोडक्ट वी गेट अंडर ईच पिक्चर. आपको जो है एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है और खाता क्या है उस और उससे बनता क्या है ये चीज़ आपको साइंस कॉपी में ही कंप्लीट करना है. मींस एनिमल और एनिमल से हमें क्या मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एनिमल एनिमल दिया हुआ है उससे हमें मिल्क मिलता है. और ये सब चीज़ें तो आपको ऐसे ही पिक्चर कलेक्ट करके अपनी साइंस कॉपी में पेस्ट करनी है. ओके राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड वॉट ईच ऑफ देम गिव्स अस. द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एनिमल्स इज गिवन फॉर यू. सिल्क वर्म, काउ एंड डक, शिप, गोट, हैन. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी है उसके आगे नंबरिंग की हुई है. अब यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट एस है तो सिल्क वर्म, इसकी स्पेलिंग आपको फिल करनी है. फर्स्ट सिल्क वर्म गिव अस सिल्क. सी फॉर नंबर टू काउ, सी ओ डब्ल्यू काउ गिव अस मिल्क. डक गिव अस एग, शिप गिव अस उल, गोट गिव अस मीट, हैन गिव अस एग. आपको ऐसे ही अपनी बुक में भी फिल करनी है. फन एक्टिविटी राइट द मिसिंग लेटर इन ईच एनिमल्स नेम गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, स्नैक, डंकी, फिश, काउ, बुफेलो. ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में भी फिल करना है. एक पूरा एक्सरसाइज आपको कॉपी में बुक में फिल करना है और कंप्लीट करके आप लोग वर्क ग्रुप में टाइमली सेंड कर दीजिएगा. ओके थैंक यू.